ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये केज वाला सेक्शन है। इस तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ केज बंदी किया जाता है। और ये जो मशीन आप लोग देख रहे हो ना, ये बेंडिंग मशीन है, स्टील बेंडिंग मशीन। मतलब जो रेनफोर्समेंट होते हैं, सरिया होते हैं, उसको बेंड करने का काम ये करता है। ये प्रिज्म है, जहाँ पर भी पॉइंट देना होता है उसको यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है। लाइन डोरी लगा के स्प्रिट लेवल लगा करके प्रोफाइल करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्शद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और अभी हम साइट पर आ चुके हैं। और आज का जो हमारा काम है, प्रोफाइलिंग का काम है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, प्रोफाइलिंग का काम जो बैलेंस था उसको पूरा करने वाले हैं। और गाइस, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, लेकिन मौसम काफ़ी प्यारा है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे और पूरे दिन क्या एक्टिविटी करेंगे वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी प्यारा है, जो कि आप देख सकते हो आसमान में पूरा बिल्कुल बादल छाया हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो आज काम करने भी मज़ा आएगा। आप लोग देख रहे हो, ये बेड 2 है और ये शायद जो है बेड 1 है। आज दोनों बेड में हमारा काम है, प्रोफाइलिंग का काम है। इधर S1 का जाली डाला हुआ है, उसका प्रोफाइल का ट्रांसवर्स का प्रोफाइल करना है। और इधर में S6 का डाला हुआ है, तो S6 का भी प्रोफाइल का हम लोग देखने वाले हैं। बस चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को आगे की तस्वीर दिखाते हैं। इस साइड में आप लोग देख सकते हो बेचिंग प्लांट है, कंक्रीट यहाँ पर ही मिक्स होता है। अगर आप कमेंट करोगे तो इसका डिटेल्स में वीडियो में बना दूंगा, कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से कंक्रीट तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसमें से इनर शटर लगाया जा रहा था, लेकिन अभी इनर शटर लग चुका है। अभी इसका जो टॉप में ट्रांसवर्स का डक्ट है, उसका प्रोफाइलिंग का काम यहाँ पर बैलेंस है, उसका काम को हम लोग आज करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वर्कर है वो लगे हुए हैं। इनर शटर का जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उसको आज किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस, ये स्टकिंग यार्ड है। लास्ट टाइम जो हमने स्ट्रेसिंग किया था उसका देख सकते हो, केबल का ग्रिप लेंथ जो है हम लोग कटिंग कर दिया। जब स्ट्रेसिंग हो जाता है तो स्ट्रेसिंग करने के बाद फिर ग्रिप लेंथ को हम लोग कटिंग कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर वाटर फ्लशिंग करेंगे, उसके बाद फिर ग्राउटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अभी। और ये S1 का जाली है, इसमें ट्रांसवर्स का प्रोफाइल अभी बाकी है, बहुत सारा काम सरिया का भी बचा हुआ है, अभी काम चल रहा है। इधर में देख सकते हो गेंट्री क्रेन मूव हो रहा है, एक सेगमेंट को शिफ्ट करने का काम करेगा थोड़ी देर में, जो कि आप देख सकते हो अभी एक सेगमेंट को शिफ्ट कर दिया गया है स्टकिंग यार्ड में। और इधर में कुछ सेगमेंट है उस तरफ में, तो उस तरफ से भी सेगमेंट को ला करके स्टकिंग यार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक बेड जो है सो खाली हो चुका है। यहाँ पर जो सेगमेंट था उसको स्टकिंग यार्ड में रख दिया गया है और अभी शटर लगा हुआ है, उसमें भी काफ़ी सारा चाल आ गया है। और भाई, आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है कास्टिंग यार्ड में। जाली जो बंदी का काम है वो भी हो रहा है, सेगमेंट कास्टिंग का जो काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और ये जो शटर है ना, इसको आउटर ट्रॉली कहते हैं, देख सकते हो सेगमेंट का ये आउटर ट्रॉली है, ये मूव कर सकता है बेसिकली। इधर मैं आप लोगों को मैं दिखाऊँ, इसका ट्रैक है, इसमें भी देख सकते हो आप व्हील लगे हुए हैं। और ये जो दिख रहा है आप चैनल छोटा सा, इसमें इस पर ही रेस्ट हो जाता है। ये जो जैक है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जैक जो लूज़ करेंगे तो ये इसका जो व्हील है, ये जो मैं आप लोगों को घुमा के दिखा रहा हूँ, ये व्हील इसी ट्रैक के ऊपर में रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैनुअली जो है सो इसको धक्का दे करके दूसरे सेगमेंट में, जहाँ पर भी मतलब कि सेगमेंट को कास्ट करना होता है, बेट जाली डालना होता है, वहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं इजीली। और भाई, ये हाइड्रोलिक पंप से भी ये ऑपरेट होता है, देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप यहाँ पर है और हाइड्रोलिक जैक भी है तो ये सिस्टम। और गाइस, देख सकते हो हाउसकीपिंग का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है यहाँ पर, जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। देख सकते हो पूरी तरह से क्लीन है ये, पूरा झाड़ू मार के बिल्कुल हर दिन जो है सो साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है और हर साइड पर होना चाहिए इस तरह से। तो गाइस, ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये केज वाला सेक्शन है। इस तरफ जो है सो सिर्फ और सिर्फ केज बंदी किया जाता है। मतलब जो सेगमेंट बनते हैं, सेगमेंट का यहाँ पर देख सकते हो शेप दिया जा रहा है, एक तरह से सिंपल भाषा में कहें तो पहले शेप दे दिया जाता है, उसके बाद केज लिफ्टर की मदद से बेड के ऊपर में इस जाली को शिफ्ट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर सेगमेंट को कास्ट किया जाता है। और ये जो मशीन आप लोग देख रहे हो ना, ये बेंडिंग मशीन है, स्टील बेंडिंग मशीन। मतलब जो रेनफोर्समेंट होते हैं, सरिया होते हैं, उसको बेंड करने का काम ये करता है। कितना भी हैवी सरिया हो, 36 का हो या 40 का सरिया हो या फिर 32 का हो, 28 का हो, 20 का हो, 16 का हो, ईजिली ये बैंड कर पाता है। चलिए गैस, आगे बढ़ते हैं। तो गैस, ये जो टावर आप लोग देख रहे हो ना, ये सर्वे टावर है। मैं थोड़ा जूम करूँगा तो आप लोगों को टोटल स्टेशन आप लोगों को दिखेगा। ये देख लीजिए, वहाँ पर मशीन लगी हुई है। इसी तरह का जो है सो 4 टावर हमारे कास्टिंग यार्ड में मौजूद है। और हर टावर में जिस तरह से टोटल स्टेशन मशीन को
लगाया जाता है और वहाँ से जो है सो पॉइंट दिया जाता है। यही वो प्रिज्म है जिससे जो है सो डाटा कलेक्ट करता है टोटल स्टेशन मशीन। ये प्रिज्म है, जहाँ पर भी पॉइंट देना होता है उसको यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है और इसके अंदर में एक लेज़र लाइट की तरह जो है उसमें जो टोटल स्टेशन मशीन है उसके अंदर से एक लेज़र लाइट निकलती है और इसके ऊपर जब पड़ता है तो इसमें से डाटा जो है सो वो कलेक्ट कर लेता है और मशीन में डाटा सेव हो जाता है। तो गाइस देख सकते हो इस प्रिज्म में बबल्स है, अगर इसको सेंटर में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर में है या नहीं है। बिल्कुल सेंटर में रखना होता है और जहाँ पर भी पॉइंट लोकेट करना होता है वहाँ पर रखना पड़ता है। कल जो हम लोगों ने जाली डाला था उसका प्रोफाइलिंग का काम पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है तो उसको हम लोग करेंगे। ये जो पाइप लोग आप लोग देख रहे हो काला वाला पाइप, इसको हम लोग प्रोफाइलिंग का काम कहते हैं और प्रोफाइलिंग इसी को कहते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोफाइल किया जाता है, एक एक एमएम भी जो है सो मायने रखता है भाई, एक एमएम भी इधर उधर नहीं करना होता है। देख सकते हो लाइन डोरी लगा के स्प्रिट लेवल लगा करके प्रोफाइलिंग करना होता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो गाइस फाइनली हो चुका है प्रोफाइल, अभी चेकिंग कराना बाकी है, थोड़ा बहुत काम इसमें और बचा हुआ है उसको करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल क्लाइंट जो है सो चेकिंग कर लेगा, उसके बाद पास हो जाएगा, उसके बाद फिर इनर शटर इसके अंदर लगाया जाएगा। सामने देख सकते हो इनर वाला जो ट्रॉली है वो बिल्कुल रेडी है, चेकिंग बस जस्ट हो जाएगा जैसे ही सामने जो इनर वाला शटर आप लोगों को दिख रहा है उसको इसके अंदर में स्लाइड कर दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हो मोनोरेल यहाँ पर लगा दिया गया है। अभी ऊपर ट्रांसवर्स का प्रोफाइल अभी बाकी है क्योंकि इनर शटर डलने के बाद ही ट्रांसवर्स का प्रोफाइल करना होता है। तो गाइस फाइनली चेकिंग हो चुका है, अब हम लोग इनर शटर डालने वाले हैं जो कि आप देख सकते हो टाइम लैप्स में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो वैसे अभी शाम के 4 बज गए हैं और अभी हाउसकीपिंग का काम यहाँ पर हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो भाई साफ सफाई चल रहा है हर जगह पे, यहाँ पर भी आप देखोगे साफ सफाई का काम हो रहा है। तो भाई शाम के अभी 6 बज रहे हैं और अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।